तो लो जी गाइस, फाइनली इंडिया में पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज पांडा डॉग। अरे सो भी बारी है पहले इंडिया के पांडा डॉग को हाथ लगाने की। हाँ, मैं इसको थोड़ा खुद को स्निफ करने दे रहा हूँ। अगर देखना कोई भी बंदा आप जो ब्रीड कर रहा है उसके उसको बोलो कि हमें पपी दिखाएं, उसके मदर फादर दिखाएं, फिर ही आप बाय कीजिए। अभी ये 28 डेज के पपीज हैं। अच्छा, हाँ, तो व्हाइट वाला भी लेकर। क्या बात है। तो ये लेके आया था, फिर मैंने 2013 में मैं व्हाइट चौ ले आया था जी, और फिर मैं 14 में ब्लैक ले आया मेल। अब पहली बार पांडा चाहता हूँ। पांडा भी तो मेरे को लगा कि हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें तो हमने ये बनता था, ये बिल्कुल बनता था। और ये यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा ही खास होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ फिलहाल यश भैया के पास आया हूँ, हमारे यश चाओ चाओ वाले पाजी के पास। और आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आज मैं चाओ चाओ तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा, पर आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ इंडिया का सबसे पहला पांडा डॉग, पैन डॉग जिसको कहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली वो रील्स में वायरल हो रहा है, चाइना के कुछ साइंटिस्ट ने उसको पांडा को और डॉग्स को मिलाकर जो है एक पैन डॉग बनाया। सो लेट्स सी कि वो क्या है, कैसे है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो पहले ही शेयर कर दो, मिलते हैं अंदर जाके। ओके गाइस, स्टार्टिंग में जो है मुझे मिला एक बहुत प्यारा सा चाव चाव का पपी, और सामने ही है यश पाजी। कैसे पाजी? हेलो पीजे, हेलो, कैसे हो? तो मैं ना जब भी यश भैया के पास आया हूँ कुछ नया देखने आया हूँ। आज हम क्या देखने आए हैं हमारी ऑडियंस को बताएं। ये क्या बताऊँ अभी उसके बारे में आपको, कुछ समथिंग स्पेशल है बिल्कुल। हमने ऑडियंस को स्टार्टिंग में बताया कि एक अभी ना बड़ी रिसेंटली रील वायरल हुई है पांडा डॉग की, तो आपको कैसे प्लान बना और आपको कैसे पता लगा इस डॉग के बारे में, थोड़ा बताओ प्लीज। ब्रदर, ये पहली बार हमने चाइना से कोई चीज ली है, हम हमेशा रशिया से ही लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कुछ चाइना से लिया है। वाह, और चाइना से लिया है पांडा डॉग, पैन डॉग भी उसको कह लेते हैं। जी जी, कितनी एज है, कितना वेट है, कुछ बता सकते हो स्टार्टिंग? अभी ब्रदर वो 7 मंथ का हो गया है। अच्छा, और वेट नियर अबाउट 23 kg है। तो मतलब वो मोर ओवर चाव चाव जैसे दिखता है, कैसा दिखता है? दिखता तो चाव चाव के जैसे ही, तो चाव चाव क्रॉस है वैसे, चाव चाव क्रॉस है इस टेक्निकली इस ब्रीड को बनाने के लिए पांडा के साथ। मेरे को लगता है कि इन्होंने इनब्रीड किया है कुछ ना कुछ चाइना ने, क्योंकि चाइना ही करती है जो भी करती है। तो उन्होंने कुछ ना, अभी मेरे को लगता है कि उसकी उसमें थोड़े 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 मतलब चेंजेस आने वाले, आएंगे, बेस्ट होगा, फिर वो टाइम लगेगा, ब्रीड बाय ब्रीड वो सुधरेगा। हाँ, राइट, वो सुधरेगा। चलो आ जाओ, अभी बारी है गाइस आपको दिखाने की पांडा डॉग। और ये एक और पांडा है व्हाइट कलर का मेरी गोदी में, बहुत प्यारी भी है यार, ये बहुत ज्यादा प्यारी फीमेल है। ओह शोनी। तो लो जी गाइस, फाइनली इंडिया में पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज पांडा डॉग। अरे वाह, क्या बात है। ये मोर ओवर मुझे लग रहा है तो ये चाव चाव टाइप ही, बट इसमें सिर्फ क्या है, कलर का फर्क है। वाह, बहुत सुंदर है, क्या बात है। आपको मोर ओवर ये कैसा लगा, लाइक टेम्परामेंट वाइज, हर एक चीज वाइज? अब तक टेम्परामेंट तो बड़ा अच्छा है ब्रदर इसका, नॉर्मल है, चाओ से अच्छा ही है। अच्छा, लेकिन चाइनीज चाओ चाओ थोड़े अग्रेसिव होते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था भाई। ये ब्रदर टेम्परामेंट में अच्छा है, हमारे यहाँ पे आए इसको अभी हो गए हैं 15 डेज। अच्छा, तो अभी थोड़ा ये थोड़ा इसको ना हेल्थ भी थोड़ा इशू आ गया था यहाँ पे आके, तो अभी थोड़ा ठीक हुआ है। ये कोट भी मैं देख रहा हूँ उसके, अभी शेडिंग में है ना, कोट शेडिंग में है ब्रदर। ये आया जब तो थोड़ा ऐसा ही था, तो इसके थोड़ी यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो गई थी, तो हमने वहाँ से इसका थोड़ा कट भी किया है डॉक्टर। अरे वाह, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पांडा और चाओ चाओ को कहीं ना कहीं इसके अंदर दिख रहे। देखो चाओ चाओ है ये प्रॉपर, बट इसका जो कलर शेड है वो प्रॉपर पांडा वाला है ना। जी ब्रदर, जी ब्रदर। वाह, गाइस अभी बारी है पहले इंडिया के पांडा डॉग को हाथ लगाने की। हाँ, मैं इसको थोड़ा खुद को स्निफ करने दे रहा हूँ। अरे यार, तो एक बार के लिए ना गाइस मुझे भी ऐसा लगा कि ये कहीं कलर करा हुआ है, बट मैं एक बार खुल के खुद मैं इसको यू नो फील करना चाहता हूँ कि ये ऐसा ही है सच में। वाह, ये बात है कि पाजी जैसे आपने बोला कि अभी इसकी फर्स्ट जनरेशन है जी, तो जब इसकी सेकंड या थर्ड जनरेशन आएगी वो मोर ओवर और पांडा जैसा दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट? होप सो ब्रदर। ये हमने थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि जल्दी मंगाएं, फर्स्ट जनरेशन नहीं, हम सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करें चाओ को, जैसे हमने व्हाइट चाओ का सबसे फर्स्ट टाइम किया था। यस, जब हमने 2009 में मैं लेके आया पहले रेड चाओ लेके आया था, फिर मैंने 2013 में मैं व्हाइट चाओ ले आया था जी,
और फिर मैं 14 में ब्लैक ले आया मेल। अब पहली बार पांडा चाहता हूं। पांडा भी तो मेरे को लगा कि हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें तो हमने ये बनता था, ये बिल्कुल बनता था। और ये बहुत ज्यादा प्यारा है गाइस, देखना कितना स्वीट है, कितना क्यूट है और कितने प्यार से मेरे को भी खुद को ट्रीट करने दे रहा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, भाई के जो नॉर्मल चाव चाव है मेरे को उनको डर डर लगता है लगाने से, बट ये बहुत काम है। नहीं नहीं कोई भी नहीं, सभी। अच्छा इसमें जैसे चाइनीज होने की वजह से इसका हेड साइज और वो अभी बहुत बढ़ेगा, राइट? क्या लगता है आपको? ब्रदर ये अभी 7 मंथ का भी नहीं पूरा हुआ और ये मतलब ऑलमोस्ट यंग लग रहा है, ये प्रॉपर ग्रोन लग रहा है ना? जी जी जी, आप कह सकते हो। तो इसका मतलब इसको थोड़े टाइम के अंदर और ये और अच्छे से ग्रोथ इसके लिए आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, इसका पीछे से बड़ा ब्रॉड है ये, मतलब हमारे डॉग्स के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर पीछे से मेरे को ब्रॉड लग रहा है। तो अभी ये केसीआई वगैरह के लिए तो अभी ये नहीं जल्दी रजिस्टर होगा? नहीं ब्रदर, अभी तो नहीं होगा, अभी तो केसीआई को टाइम ही लगेगा हमें थोड़ा टाइम, तो क्योंकि फर्स्ट डॉग है इंडिया के अंदर। धीरे धीरे करके और डॉग्स आएंगे। एंड अगर इन फ्यूचर इस कलर को, स्पेशली इस पांडा डॉग के कलर को आप नॉर्मल चाव चाव से क्रॉस कराते, देयर इज अ चांस टू गेट सेम सिमिलर? वही देखना है क्या आएगा। अभी तो 5 महीने तो मेटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि 7 महीने का 5-6 महीने कम से कम 6-7 महीने तो अभी वेट करेंगे, उसके बाद मेटिंग करवाएंगे व्हाइट फीमेल से, ब्लैक से ट्राई करेंगे कि कौन सा कलर और अच्छा निकल आता है, क्या आता है, मिक्सचर आता है, क्या आता है, कुछ नहीं मालूम ब्रदर अभी इसके बारे में। इसकी टंग ब्लू है ये। हाँ तो ये प्रॉपर चाव चाव है, इसके अंदर ब्लड ये तो पता लग रहा है। ब्लड 99% तो मेरे को, 90% तो मेरे को लग रहा है यार कि ये चाव चाव है। तो बेसिकली जो चाव चाव जो पैन डॉग है, पांडा डॉग, जिसके बारे में अगर आप अभी भी सर्च करोगे, इट इज़ अ वेरी रिसेंटली इन्वेंशन, जो एक बेसिकली ब्लड लाइन चाइनीज जो साइंटिस्ट उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने क्या करा है, कुछ पांडास को चाव चाव के साथ सिमिलरली क्रॉस कराया, जिसकी वजह से उनका कलर शेड जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया। गाइस अभी जो है बहुत सारे चाव चाव जो है भैया ले आए हैं, तो यहाँ पे भैया कौन कौन है एक बार सबसे इंट्रोड्यूस करा दो जल्दी से। ब्रदर ये हमारे बॉस का बच्चा है, ये बॉस है। अच्छा, अरे ये बॉस है, अरे भाई बॉस का बच्चा तो बॉस से भी खतरनाक दिख रहा है। ये हमारी फीमेल है इम्पोर्ट, अरे वाह, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, यस। पांडा आपने देख ही लिया, इसका नाम इंजन रखा है हमने जी। और ये है रेड वाली, ये चाओ है, ये इंडिया चैंपियन हो गई है। अच्छा, अरे वाह। अच्छा उस दिन हमने डॉग शो में भी शायद इसको दिखाया था पहले एक बार। ये हमारा जो है आपका फेवरेट, यस, ये है सबसे बढ़िया बंदा, वो बेचारा पीछे पीछे ही रहता है। वाह, तो अभी कितने डॉग हो गए हैं टोटल भैया? ब्रदर मेरे पास अभी 12, अभी सभी दिखाते हैं आपको। आपको चाओ चाओ जैसी ब्रीड रखनी है तो आपके पास एटलीस्ट इतना बड़ा स्पेस, साथ में घर, एक पूरी 24/7 फैसिलिटी आपको चाहिए चाहिए इतनी प्यारी ब्रीड को मेंटेन करके इतने अच्छे कोर्ट कंडीशन में रखने की। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपने घर के अंदर ही दो दो अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं पार्क के लेके, तो इसका क्या रीज़न है? ये ब्रदर रीज़न कुछ नहीं है, ये बस अच्छा लगता है मेरे को, पार्क तो बहुत अच्छा लगता है। आपने बाहर भी देखा होगा हमारा गेट जी। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपको अगर पाजी इतने सारे चाव चाव रखने हैं तो आपको इतनी स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, है ना ब्रदर? इतने चाव के लिए इतनी स्पेस इज़ नॉर्मल, है ना? अच्छा लगता है इनको भी, ये सारे यहाँ पे खेलते हैं, अच्छा लगता है इनको, ठंडी हवा चलती है, पूरे साइड में खेत ही खेत है ना। जी जी जी। तो अभी आपके पास पपीज कितने हैं पाजी यहाँ पर? पपीज ओनली अभी 3 हैं ब्रदर मेरे पास। क्या बात है, कौन से कलर के हैं वो? 2 लाइन कलर के हैं और एक वाइट क्रीम कलर का है। अच्छा चलो, अभी वो भी दिखाएंगे। और ये कौन है, ये नया है कोई? ये लूनस। लूनस, क्या नाम, कितनी एज है इसकी? ये ब्रदर 8 मंथ हो गया। अरे वाह, अच्छा ये यंग है अभी बहुत, है ना? बहुत यंग है ब्रदर ये तो अभी। हाँ, ये देखना सभी के सभी अलग अलग कलर के सारे कॉम्बिनेशन पाजी ने यहाँ पर ला के खड़े कर दिए हमारे लिए। तो गाइस अभी ना एक चीज और नोटिस करने वाली है, देखो सारी के सारे कलर वैरायटी रेंज जो है जो इस ब्रीड के अंदर आती है भैया ने सारी इकट्ठी की हुई है। और अभी बारी है आपको पपीज दिखाने की, तो मैं पपीज आपको हर बार क्यों दिखाता हूँ, सो एक बहुत बड़ा मेन मोटिव है पपीज दिखाने का, बिकॉज देखो बड़े डॉग दिखाना और पपीज दिखाने में एक डिफरेंस पता लग जाता है कि जब आप लेओगे पपी, क्योंकि हम जब भी घर में लाते हैं पपीज लाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पपीज कैसे होंगे बड़े होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ब्रदर, बहुत ज्यादा नेसेसरी है मदर फादर देखना, कोई भी बंदा आप जो ब्रीड कर रहा है उसके, उसको बोलो कि हमें पपी दिखाएं, उसके मदर फादर दिखाएं, फिर ही आप बाय कीजिए। अभी ये, अभी ये 28 डेज के पपीज हैं। अच्छा, हाँ तो व्हाइट वाला भी लेकर। क्या बात है, तो ये किस किस डॉग के हैं फादर, कौन है इनका? इनका फादर ब्रदर बॉस है दोनों का। क्या बात है। तो ये मोर ओवर जब बाद में, अभी तो जैसे थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ, ये डार्क किश टोन में है, तो बाद में कुछ इस तरीके से निकलेंगे जैसे ये है, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, वो देख लीजिए आप। अरे पांडा डॉग, अरे
पांडा डॉग देख रहे हो, पांडा डॉग को कितना कितना खुश है। हाँ ये हमारा व्हाइट पपी है। हाँ ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जो फीमेल पपी। जी जी। तो ये दोनों मेल है फोन कलर के। ये ब्रदर अभी 35 डेज का है, ये 28 डेज। अच्छा अलग 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 लीटर के। ये मेल है। ओके ये किस वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रीड में से एक है पाजी, है ना। जी, जी, जी। और चाओ चाओ जो है दो टाइप के चाओ चाओ, जैसे ये वाला जो है ये चाइनीज चाओ चाओ में आ जाता है, बाकी जितने सात वाले हैं ये सभी के सभी रशियन चाओ चाओ में आ जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में, हम ऑलमोस्ट 3-4 वीडियोस भैया के साथ बना चुके हैं, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि आपको एक नई नॉलेज दे ब्रीड के रिलेटेड। तो भैया अभी इस पप्पी को आप क्या डाइट दे रहे हो, जो ये एग्जैक्ट ये वाला पप्पी है जैसे। ब्रदर ये भी 35 डेज का हुआ और फीमेल है। आप देखिए लोगों के पास आपने बहुत देखा होगा कि लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें 15,000 का पप्पी मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है। आपकी वीडियो सुन के जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना 15,000-20,000 का मिल रहा है, तो बोलते हैं आपने वीडियो में बोला था। मैंने बोला पूरी अच्छे से वीडियो देखा करो भाई, फिर मजा आता है। मैं बोल रहा हूँ बाजार में मिलते हैं 15,000-20,000 में जी, और उनकी क्वालिटी बाद में क्या निकलती है आपको भी मालूम है। इतने से फेस होते हैं उनके, किसी की आईज में प्रॉब्लम है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी कितने आते हैं, बड़ी मुश्किल है। आप मेरे किसी भी डॉग की आईज चेक कीजिए, हर डॉग्स की आईज उसका देखिए, सबसे बड़ा फेस है उसकी आईज, आप दिखाइए प्लीज एक बार। बिल्कुल नॉर्मल आईज है, जो है कि आप दिखा सकते हो ना, देखो। और बॉस की दिखाइए, किसी भी इसकी दिखाइए, ये चैंपियन बनी है अभी, इसकी आईज दिखाइए आप, नॉर्मल आईज है। ये तो नहीं है कि गुस्सी हुई है। फेस का जो फेस का स्ट्रक्चर है उसका देखिए, ये बॉस का बच्चा है उसकी आईज दिखाइए, सबसे मतलब उसका भी फेस बहुत ज्यादा कितना ब्रॉड फेस है, लेकिन आईज तो दिखता है ना प्रॉपर उनका। ये जो चाइनीज शार्पाई मिक्स डॉग है उनमें से बड़ी प्रॉब्लम आती है हर, मेरे को एवरीडे 5-7 कॉल इस बात के लिए आती है कि ये उसकी आईज में प्रॉब्लम है, उसकी स्किन में प्रॉब्लम है। तो सर उसकी डिजीज अगर हम किसी को मिक्स करेंगे, शार्पाई को किसी और से मिक्स कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो ब्रदर आएगी। आप श्योर है ना? पैसा देखो मैटर करता है एक टाइम के बाद, बट एक चीज और भी मैटर करती है, वो है हेल्थ, लाइफ और क्वालिटी और सिक्योरिटी। देखो सबसे पहले अगर आप 10,000 रुपये भी खर्च के कहीं से कुछ लेकर आते हो ना मार्केट से, तो आप चाहते हो कि उसकी एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ हो, ठीक है, एक चीज़ की, और उसकी क्वालिटी वैसी ही रही जैसी आप उसके साथ, आप इतना पैसा लगा के लाए हो, 10,000 भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता भाजी। तो लोग जो स्पेंड करते हैं, पर उनके साथ भी धोखा हो रहा है ब्रदर। वो उनको सोचना चाहिए कि डॉग जो है चाहे किसी ब्रीड का ले लो, वो आप एक बार ले लिया तो छोड़ तो नहीं सकते उसको। पॉइंट, वो बच्चा बन गया 10-12 साल आपके पास रहेगा, 10-12 साल 15 साल ब्रदर बहुत होते हैं। उसको कोई तबीयत बीमार हो, अगर उसको क्रॉस ब्रीडिंग है तो उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर आ गया, कल को उसको कोई पपीज नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो अग्रेसिव बन गया, तो वो सब ब्रीडर का काम। अभी देखिए आप इनको इस, चलो आप जोए को मिलते रहते हो, अभी बाकी को तो नहीं आपका भी नहीं, तो इन आपने को किसी कैमरामैन भी हैं हमारे, उनको भी किसी को कोई बार्क भी किया एक बार, उनकी आदत नहीं है। अच्छा पाजी एक चीज और बताओ, जैसे अब आपको इतना साल हो गए हैं, आपसे बहुत सारे लोगों ने चाओ चाओ ले लिए होंगे जी, और इस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा चाओ चाओ है जी, तो गर्मी आ गई है, प्रॉपर समझ आ गई है जी, क्या प्रिकॉशंस या क्या चीज़ें चाओ चाओ ओनर्स को ध्यान रखनी चाहिए इन समर्स में, ताकि उनके डॉग को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा कोट है। सबसे बड़ा डाइट जी, हमें कर्ड देना ही देना चाहिए, हर हालत में देना चाहिए कर्ड, बेस्ट थिंग है इनके लिए। कर्ड, लस्सी, लस्सी कर्ड, दूध चाहे ना दीजिए, कर्ड 100% दीजिए गर्मियों में। और दूसरी बात, इसको ट्रिम कीजिए। ट्रिम हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि ट्रिम करना है तो ओनली 5 से ऊपर ट्रिम करना है, 5 नंबर से, बेसिकली गंजा नहीं करना, सिर्फ बाल की कटिंग करनी है। गंजा कभी चाओ को करोगे तो उसकी स्किन ऐसी है कि वो पूरा रेडिश हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, इतनी एलर्जी हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी भी मत पूरा गंजा कीजिए चाओ को, तो एसी जरूर लगा के रखिए यार, एसी कूलर तो पक्के रखने उसको बहुत नेसेसरी। अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो इसको एसी की मस्ट नीड है, जो भी बंदा एसी अफोर्ड कर रहा है 30 डिग्री से ऊपर। तो मतलब वो चाओ चाओ एक ऐसी ब्रीड है जो एक्सपेंसिव भी है, ये ब्रदर इसकी मेंटेनेंस का स्टाइल देखिए इसका, हमेशा ये ऐसे बैठते हैं चाओ, ये दोनों, वो हमारा जोए बैठा है, वो पूरे के पूरे, वो देखो सारे के सारी गैंग यहाँ पर है, वो देखिए आप उसका स्टाइल देखिए बैठने का, सारों के सभी के सभी देखो कितने प्यारे तरीके से घर में बैठे, और ये देखो पांडा तो पीछे नीचे ब्लैक टाइलों में दिख ही नहीं रहा है,
ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच यशपाल जी, आपने आज हमारे को इतना टाइम दिया, आपने आप यहां पे आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर। मैं तो बहुत एक्साइटेड था, भैया ने एक रील डाली उसमें मेरे को ये वाला डॉग दिख गया। मैंने फोन मिलाया, मैं कह भैया ये पांडा आ गया है क्या, कह रहे भैया आप ही हो जिसको पहले पता लगा, आ जाओ। मैं कह चलो लेट्स गो एंड मेक अ वीडियो। एंड आई होप कि ये जो ब्रीड नहीं, ब्रीड बेसिकली नहीं कह सकते, बट ये जो कलर और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर नया आया है, इसकी जो आगे की जनरेशन होगी वो बिल्कुल पांडा जैसी दिखेगी। ट्राई करेंगे बेस्ट से बेस्ट करने की ब्रदर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पाजी। और अगर किसी ने भी किसी पपी से डॉग से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनको फॉलो करें। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।